हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 इवन एंड ऑड नंबर्स। इवन नंबर सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग। सपोज वी हैव अ कलेक्शन ऑफ 8 टॉयज। मानते हैं कि हमारे पास 8 टॉयज हैं, ठीक है। ग्रुप दिस टॉयज इनटू पेयर्स दैट इज सेट्स ऑफ 2 टॉयज ईच। हम क्या करते हैं, हम 8 टॉयज का क्या करेंगे, दो दो खिलौने का ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। ग्रुप बनाने पे देखो, इज देयर एनी सिंगल टॉय लेफ्ट। क्या इनमें से कोई ऐसा खिलौना है जो इकलौता है? नहीं ना। अगर हम 8 टॉयज को अगर डिवाइड कर रहे हैं तो 2-2 में डिवाइड हो जा रहा है। ऐसा कोई भी खिलौना नहीं है जो बाहर है, अकेला है, सबका पेयर है ना। सब जो भी ग्रुप बनी है सब में दो दो टॉयज है, कोई भी सिंगल नहीं है। तो इसका ये मतलब है कि 8 जो नंबर है हमारा, इसमें हमारा पूरा ग्रुप बन जा रहा है, कोई भी सिंगल नहीं बच रहा है ना। तो क्या कर सकते हैं, जिस भी नंबर से हमारा 2-2 का ग्रुप बन जाता है, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं बचता है, सिंगल नहीं बचता है, वो नंबर हमारा इवन नंबर होता है। जैसे 0, 2, 4, 6, 8, ओके। 2 में भी हमारा 2 नंबर का अगर ग्रुप बनाते हैं तो एक ग्रुप बनेगी, 4 में हमारा 2 ग्रुप बनेगा, 6 में हमारा 3 ग्रुप बनेगा और 8 में हमारा 4 ग्रुप बनेगा। पर इसमें कोई भी एक भी खिलौना सिंगल नहीं बचेगा, ओके। नंबर्स एंडिंग इन 0, 2, 4, 6 एंड 8 आर इवन नंबर्स। जो भी नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होता है, ठीक है, वो भी हमारा इवन नंबर होगा, ठीक है। जिस नंबर का एंडिंग 0, 2, 4, 6, 8 से होता होगा वो भी हमारा इवन नंबर है, क्योंकि वो भी नंबर्स के पेयर्स बन जाएंगे, ओके। जैसे 10, 12, 24, 36 एंड 48, ये सारे इवन नंबर हैं, ओके। चलो अब हम लोग ऑड नंबर पढ़ते हैं। ऑड नंबर्स, सपोज वी हैव अ कलेक्शन ऑफ 5 एप्पल्स। आप लोगों को 5 एप्पल्स दिखाई दे रहे हैं। ग्रुप दिस एप्पल्स इंटू पेयर्स दैट इज सेट्स ऑफ 2 एप्पल्स ईच। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे भी एप्पल्स के ग्रुप बनाए जा रहे हैं, दो दो के, ठीक है। 2 एप्पल्स के ग्रुप बनाए जा रहे हैं, तो 1-2-1, फिर 1-2-1, फिर 1, एक सिंगल बच गया है ना। इज देयर एनी सिंगल्स एप्पल लेफ्ट। यहाँ पे क्या कोई ऐसा एप्पल है जो सिंगल है? हाँ है। तो 5 कैन नॉट बी फुल्ली ग्रुप्ड इंटू पेयर्स। तो 5 ऐसा नंबर है जो फुल्ली ग्रुप में डिवाइड नहीं हो पा रहा है ना, वो पेयर नहीं बना पा रहा है, दो दो का एक ऐसा ग्रुप बन रहा है जिसमें सिर्फ एक ही है, दो का पेयर नहीं बन पा रहा है ना। तो जो भी नंबर से हमारा पेयर नहीं बन पाता है, फुल ग्रुप नहीं बन पाता है, 2-2 के पेयर्स नहीं बन पाते हैं, वो नंबर हमारा ऑड नंबर होता है। जैसे 1, 3, 5, 7 एंड 9 आर ऑड नंबर्स। ये सारे हमारे ऑड नंबर्स हैं। नंबर्स एंडिंग इन 1, 3, 5, 7 एंड 9 आर ऑड नंबर्स। तो जो भी नंबर्स के लास्ट में, जो नंबर के लास्ट में 1, 3, 5, 7 एंड 9 होता है, वो हमारा ऑड नंबर होता है। जैसे 11, 13, 25, 37, 49, ये सारे हमारे ऑड नंबर हैं। और भी आएंगे, बहुत सारे नंबर होते हैं जिनके भी नंबर के एंडिंग इन सारे नंबर से होंगी, वो ऑड नंबर होंगे, ओके। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आप लोग के सामने कुछ ड्राइंग्स है, आपको यहाँ पे करना है, आपको काउंट करना है पेयर के साथ। उसमें काउंट करने के बाद जो भी हमारा नंबर आता है, अगर वो ऑड है तो उसको ऑड वाले लाइन में, ऑड वाले बॉक्स में लिखना है जो सर्कल है, या तो अगर वो इवन है तो उसको इवन वाले बॉक्स में लिखना है। तो देखो, फर्स्ट वाला हमारा किया हुआ है, दिखाई दिया आपको, फर्स्ट वाला किया हुआ है। 1, 2, 1 पेयर हो गया, फिर 3, 4, 2 पेयर हो गया, फिर 5, 6, 3 पेयर हो गया, एंड देखो 7 नंबर हमारा सिंगल है ना।
तो ये क्या हुआ हमारा, ये ऑड नंबर हो गया क्योंकि सेवन हमारा ऑड नंबर है ना। सेवन कैसा नंबर है हमारा, ऑड नंबर, इसलिए इसको ऑड वाले सर्कल में लिखे हुए हैं। अब आगे हम लोग फिर से काउंट करते हैं। यहाँ पे कार है, कार दिखाई दे रहा है आप लोगों को, 1 2 3 4। फोर कैसा नंबर है, ऑड नंबर है कि इवन नंबर है? इवन नंबर है क्योंकि यहाँ पे पेयर बन रहा है, 1 2 का एक पेयर, फिर 1 2 का वन पेयर और, मतलब यहाँ पे पेयर बन रहे हैं, तो ये कैसा नंबर हुआ हमारा, इवन नंबर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब हम लोग की देखेंगे, देखो यहाँ पे भी कितने सारे हैं, इसको पहले काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं, 9 पेयर बनाते हैं। 9 वैसे ऑड नंबर है पर पेयर बनाते हैं, 1 2 एक पेयर हो गया, 1 2 फिर से पेयर हो गया, 1 2 फिर से पेयर हो गया, 1 2 फिर से पेयर हो गया, बट ये सिंगल बच गया है ना, ये सिंगल बच गया। तो ये कैसा हुआ, क्या हुआ, जो सिंगल बच जाता है वो हमारा ऑड नंबर होता है, और 9 हमें पता है कि वो ऑड नंबर होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। 5 कैसा नंबर है हमारा, ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, ऑड नंबर है क्योंकि इसका ग्रुप नहीं बनता है। देखो आप लोग, 1 2 वन पेयर हो गए, 1 2 फिर से पेयर हो गए, लेकिन एक सिंगल बच गए, तो जो सिंगल नहीं बच, वो जो सिंगल बचता है वो क्या होता है, ऑड नंबर होता है। आगे फिर से काउंट करते हैं बैलून से, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 कैसा नंबर है हमारा, इवन है कि ऑड है? जिस भी नंबर के लास्ट में 3 होता है वो कैसा नंबर होता है हमारा, ऑड, क्योंकि 3 का कभी भी पेयर नहीं बनता है। तो कैसा नंबर हो गया हमारा, 13, ऑड नंबर। आगे चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 कैसा नंबर है हमारा, 4, जिस भी नंबर के लास्ट में 4 होता है वो कैसा नंबर होता है, इवन नंबर होता है ना। तो किस बॉक्स में लिखेंगे इसको, इवन बॉक्स में लिखेंगे। आगे चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितने हैं, 18। 8 क्या है हमारा, 8 में हमारे पेयर बनते हैं कि नहीं बनते हैं, 8 में हमारा पेयर बनता है ना, 2 2 के पेयर्स 4 पेयर्स बनते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जिस भी नंबर के एंड में 8 है वो क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इवन नंबर के बॉक्स में लिखेंगे। अब आगे चलते हैं, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कितने हैं, 17। अब आप लोग ये भी देख रहे हो, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर 5 पेयर 6 पेयर 7 पेयर 8 पेयर 9 9 वाला में केवल सिंगल है ना। 17 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, तो हम इसको ऑड नंबर के बॉक्स में लिखेंगे। अब आप लोग को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हर रो में हमको ऑड नंबर्स को देखना है, खोजना है और उसको सर्कल करना है। ठीक है, ऑड नंबर्स को सर्कल करना है। चलो तो फर्स्ट रो देखते हैं, 11, जिसके लास्ट में 1 होता है वो कैसा नंबर होता है, ऑड नंबर, सर्कल कर देंगे। 26, 6 हमारा इवन नंबर है। 33 हमारा ऑड नंबर है, सर्कल कर देंगे। 48 हमारा इवन नंबर है। 52 हमारा इवन नंबर है। 91 हमारा ऑड नंबर है। हम किसी भी नंबर के लास्ट वाले डिजिट को देखेंगे, अगर वो इवन नंबर है तो वो पूरा नंबर इवन है, अगर वो ऑड नंबर है तो वो पूरा नंबर ऑड है। ओके, 7 कैसा नंबर है हमारा, ऑड नंबर। 3 हमारा कैसा नंबर है, ऑड नंबर। 22 हमारा कैसा नंबर है, इवन नंबर। 65 हमारा कैसा नंबर है, ऑड नंबर। 50 हमारा कैसा नंबर है, इवन नंबर। 83 हमारा कैसा नंबर है, ऑड नंबर। अब
74 हमारा कैसा नंबर है? इवन नंबर. 56 इवन नंबर. 17 कैसा नंबर है हमारा? ऑड नंबर. 9 हमारा कैसा नंबर है? ऑड नंबर. 68 कैसा नंबर है हमारा? इवन नंबर. 39 कैसा नंबर है हमारा? ऑड नंबर. 95 ऑड नंबर. 78 इवन नंबर. 54 इवन नंबर. 24 इवन नंबर. 43 इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर. 82 इवन नंबर. अब हम लोग आगे चलते हैं. अब यहाँ पे हर रो में हमें इवन नंबर सर्च करना है और उसको सर्कल करना है. तो पहले हम क्या करेंगे, नंबर के लास्ट डिजिट को देखेंगे. अगर वो इवन है तो वो पूरा नंबर इवन होगा. तो 20 हमारा क्या है? इवन नंबर. 0 जो लास्ट नंबर होता है वो इवन होता है. ऑड नंबर 8 हमारा इवन नंबर. 47 हमारा ऑड नंबर. 16 हमारा इवन नंबर. 94 हमारा इवन नंबर. 9 हमारा ऑड नंबर. 14 हमारा इवन नंबर. 17 ऑड. 2 हमारा इवन नंबर. 63 हमारा ऑड नंबर. 38 हमारा इवन नंबर. 51 ऑड नंबर. 4 इवन नंबर. 55 ऑड नंबर. 27 ऑड नंबर. 70 इवन नंबर. 11 ऑड नंबर. 19 ऑड नंबर. 66 इवन नंबर. 26 इवन नंबर. 49 ऑड नंबर. 59 ऑड नंबर. 84 इवन नंबर. तो समझ में आया इवन और ऑड नंबर होते क्या हैं? जिस भी नंबर के ग्रुप्स 2-2 के पेयर्स बन जाते हैं वो हमारा इवन नंबर होता है, और जिसके पेयर नहीं बनते वो हमारा ऑड नंबर होता है. ओके और जिस भी नंबर के लास्ट में इवन नंबर होता है वो पूरा नंबर इवन हो जाता है, और जिस नंबर के एंड में ऑड नंबर होता है वो पूरा नंबर ऑड हो जाता है. ओके